लेके, चुनाव के लेके माहौल अब की इनकर वोट वोट कुछ नहीं पई है। ये प्रवीण निषाद, प्रवीण निषाद भाजपा सारे भाजपा कोट नहीं नहीं पई है। हाँ। ना, जब ऐसे सबके जनता कैसे मेकर चलिए पई है। हाँ। नहीं पई है। अब की बार किकरा के देवल जाए, किकरा के देवल, ये नहीं बताई बहन क्या करा के देव। हाँ। जे के देखब बढ़िया नहीं देव, जे का देवा। हाँ। लेकिन प्रवीण निषाद के ना देवे। हाँ। एको बात एकदम सही सही बताइएगा कि आदर्श गांव होने के कारण घूरा पाली में क्या क्या विकास हुआ है? आप बुजुर्ग हैं, थोड़ा आप बताइए। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ। यही हालत चल रही है। एक भी काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। एक पांच साल में जो पैसा आया वो पैसा गया कहाँ चाचा जी? तो ये प्रवीण निषाद जाने चाचा जी, प्रवीण जाने कहा रुपया जब कोई ना जेके दे जानी तब और कौन सुनवाई कहना पर भी नहीं, कुछ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला। चाची जी का नाम पड़ी तहार? सोना। सोना। हाँ। तो अब की बार ओटवा केकरा के देवल जाई? जे बनाई नारी तेके देवे। जे रोड बनवाई और हाँ। जो पानी की व्यवस्था करवाई उकरा के देवल जाई? हाँ बस। प्रवीण मैदान देवते, प्रवीण निषाद यहाँ भाजपा से टिकट पा गए हैं? कोई भी पा जा, भाजपा अब की बारी गलत सोच के दहले भाई। हाँ। प्रवीण निषाद के देना नहीं चाहिए क्योंकि ये पांच साल में पहले नहीं कुछ करवाया, अब क्या करवाएगा? जाता है कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो भाजपा को वोट करते हैं, तो प्रवीण निषाद को आप लोग वोट नहीं? नहीं, प्रवीण निषाद को नहीं दूंगा। प्रवीण निषाद को नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। ये तो हम पहले भी कर दिया हूँ, मैं वहीं दिल्ली में बात कर दिया हूँ। दिल्ली में आप किससे बात किए थे? मोदी के पीएम से। हाँ। और खुल के बात कर रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं। मोदी के पीए से आप बात किए? हाँ। तब भी ये समस्या नहीं दूर हुई? तभी नहीं हुआ, तभी नहीं दूर हुआ इसको, इसको तभी नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साहब आपको बता दे कि लोकसभा चुनाव जो है अब वो आ चुका है और सारी पार्टियां जो हैं अब वो बिगुल बजा चुकी हैं और जगह जगह लोग चौपाल लगाकर अपना जो चुनावी रणनीति है, चुनावी प्रचार जो है वो शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अगर हम बात करें जो न्यूज चैनल है, जो डिजिटल चैनल है, वो भी तेज़ी से सक्रिय हो गया है। आज हम यूपी संत कबीर नगर मेहदावल विधानसभा घूरापाली गांव में खड़े हुए हैं और साहब ये गांव वाले बता रहे हैं कि ये जो गांव है ये आदर्श सांसद गांव है। अगर यहाँ इस गांव के सांसद की बात करें तो इस गांव के जो सांसद हैं वो इंजीनियर प्रवीण निषाद जी हैं, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के लड़के हैं। ये साहब पूरा गांव वाले हैं और यहाँ की आज हमें इस गांव की घूरापाली गांव के एगो विकास की एगो ऐसन कहानी दिखाई जौना के देखले के बाद आप सब अपन हंसी न रोक पाइबा। सबसे पहले हम रोड दिखावल चाहता नहीं, जरा एका दिखावल जाए भाई। ये गांव के एगो ऐसन रोड बाई आदर्श गांव बा भैया, यही पानी में से लोग आते जाते हैं। अभी एक चाचा थे हमारे साथ, ये देखिए ये चाचा जी इसी पानी से आ रहे थे, हम इनका विजुअल भी बनाए हैं, वो आपको लगा के दिखाएंगे। चाचा जी तहार गांव आदर्श गांव हो गइल बा और यहाँ के इंजीनियर प्रवीण निषाद जी सांसद हैं, चुनाव आ गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले नाम बता दीजिए। जोखन निषाद हो कि अमन के, जब क्यों खुजतन बतकाओ उनके खोजी हो। हाँ हाँ, कहो। कोई नहीं खोज रहा, कोई नहीं खोजत बा। अच्छा, आपका घर कहाँ है? यही का बगलियम गवा सट ले बाज बुढ़त बुढ़त उतरे अतवाठी। हाँ, इसी पानी में से आप आते जाते? हाँ हाँ। अच्छा चाचा जी, एक बात बताइए कि इस पानी में जो ये नाला है, फिर से दिखाइए साहब, हम चाहेंगे कि इस नाले को दिखाया जाए। इस नाले में आप कितने दिन से आते जाते हैं? साल भर से आवाता थी। एक साल से? एक साल से। हाँ हाँ, गोड़ हाथ कुछ सर सर जाता, कोई गोड़ क्या होता है सुना था, कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं। हाँ। हाँ। खाली लोग आते हैं, आप लोगों का फोटो खींच के चले जाते हैं। बस कितना जनी आई ने गई ने से। हाँ। हाँ। कोई सुनने वाला नहीं बा। हाँ। हाँ। आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? हमारे लड़के भाग गए नहीं पानी कारण, पानी कारण भाग गए। हाँ। ये देख लीजिए, चाचा जी भावुक हो गए और पूरी तरह से ये रोने लगे हैं। आप ये देख सकते हैं, अगर प्रवीण निषाद जी चाचा जी का वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे लोग, मैं ऐसा सुनता हूँ और जानता हूँ कि यहाँ पे लोग आपको बहुत मानते हैं क्योंकि यहाँ पर ये निषाद बाहुल्य गांव है और इसे आप साहब आदर्श लिए थे। ये चाचा जी जरा रो रहे हैं, देख लीजिए इनको,
देख लीजिए कि ये कितने मुसीबत में है, जरा इसको सही करवाइए नाला ओला। और बहुत सारे लोग हैं गांव में। चाची जी का नाम पड़ी तहार? सुभावती। सुभावती निषाद हैं आप भी? हाँ हाँ। तो प्रवीण निषाद जी का कहते हैं जब गांवों में आते हैं? हम तो जनबन करती हुई लहना की ना है। हाँ हम तो जनबन करती देखबन करती कौन रूप के बात है। अच्छा ये बतावा, चुनाव आ गए बा वोट पड़े के बाद, तो का अब की बार प्रवीण निषाद के वोट देवल जाए कि बदल? कब देवल ना जाला। हाँ। गांव है, गांव से दुश्मनी लेके दिहल जाला। हाँ। गांव में छोटको बाटे बड़को बाटे। हाँ। तो जब अपन सब चिन्हा था थमनो अपन चिन्ही ला। हाँ, तो अब की बार का कहल जाए? अब की बार फिर से सांसद बनावल जाए कि ऐसे फिर इसी पानी में से आए? जब बुढ़ के मरा था टीटे। हाँ अब की बार नहीं बनाएंगे? नहीं हम तो नहीं देवे, जब हमन के बुढ़ के खोजता नहीं बात का दे। अब की बार प्रवीण निषाद को वोट नहीं देंगे? देवे हम तो। किसको देंगे? जे के मान करी थे के देवे साहेब। हाँ जब हमन के बुढ़ के मरता टी है खोजते नहीं बा। हाँ। तो फिर दे फिर बुढ़ले रह। हाँ ये गाड़ी जरा दिखाइए साहब, ये देख लीजिए, अगर इस पानी में अगर ये गिरेंगे तो ये सीधा पानी में गिर जाएंगे। और ये आदर्श गांव है, लेकिन सांसद जी अभी इस गांव में कोई विकास नहीं किए हैं। और चाची जी हैं, इनसे भी बतियाने के दुनिया अपन खोज ले, हम अपन खोज ले रह ली, हमनो अपन खोज ली कि जैसे दुनिया कमात खात बा वैसे हमरो कमाई खाई हमरो भयवा। बतिया तहार सही बा, हम सब मानत है, लेकिन लेकिन ई विकास के करी गाँव के? जब आप वही पद तक, जिम्मेदार पद तक पहुँचौनी है, जब जब इंजीनियर प्रवीण को जिम्मेदार पद पे आप पहुँचौनी है, उनका सांसद बना देनी, तो अब की बार का कहल जाए 2024 में फिर चुनाव बा? आप देबू तब का, चाहे गांव विकास हो चाहे ना हो, लेकिन वोट देवल जाए? वोट देव। अच्छा, चलिए चाची से बताइए का नाम पड़ी चाची तहार? गुंदेश्वरी देवी। गुंदेश्वरी देवी, आप भी निषाद हैं? नहीं हम पंडित हैं। अच्छा आप पंडित हैं, तो क्या आप की बार क्या चाहेंगी, परिवर्तन चाहेंगी? परमानंद जब को खुश करेंगे, जो नाली बनाएगा उसी का वोट देंगे। हाँ हाँ, नहीं तो नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। हाँ। अब आपको बता दें कि संत कबीर नगर जिले में, तब देंगे संत कबीर नगर जिले में नेताओं के लिए एगो चुनौती हो गई बा, हम सही कहा था कि ना? जब ये बनवाएगा जे तो सब जब देंगे वोट, नहीं तो नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। अच्छा ये जो सड़क पे आके जो पानी लगता है बनवाएंगे तो उसी को वोट देंगे? उसी को देंगे, चाहे जो बनवा दे, चाहे जे बनवाया। हाँ चाची जे रक्षा करी तो कहे नहीं दे। मान ला हमारे भाई पड़दार है। आपको बता दें, ऐसा माना जाता है कि जो जिले में, जो जिले में और गांव होते हैं, उस गांव की अपेक्षा जो आदर्श गांव होता है उसमें सबसे ज्यादा पैसा आता है। लेकिन अगर इंजीनियर प्रवीण निषाद से कोई ये हिसाब जाके पूछ ले कि साहब एगो गांव घूरा पाली, हम सही सही कह रहे हैं कि नहीं? हाँ घूरा पाली, ये संत कबीर नगर का घूरा पाली गांव है, और इस गांव में साहब कुछ विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर लोग जो है वो अगर हम बात करें तो इस पानी की समस्या से बहुत परेशान है। तो अब की बार मच्छर, चाची जी मच्छर है, घर में बैठा नहीं जाता है। हाँ। ये पानी को जैसे इतना मच्छर है। हाँ घर में बैठ नहीं सकते। हाँ इधर सीधर, इधर सीधा ऊपर छत पर जाके बैठेंगे। हाँ। नहीं तो इधर सीधर कहाँ? यहाँ पे जब से हम लोग आए हैं साहब, आपको बता दें एक बार, हम चाहेंगे साहब फिर से इस पूरा दृश्य को दिखाया जाए। जब से यहाँ पर हम लोग आए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा हम पानी के पास आ गए हैं। यहाँ पे बैठा नहीं जा रहा है, यहाँ पे खड़े नहीं हो जा रहा है, यहाँ पर इतना बदबू आ रही है। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों का घर है, ये साइड में आप देख सकते हैं जिन लोगों का ये घर है, वो कैसे आते जाते हैं अब ये भगवान जाने। और ये बीड़ा, ये जो बेड़ा है वो भगवान ही पार करेंगे। एगो चाचा जी हैं, इनसे बतियाते हैं का नाम पड़ी तहार चाचा जी? जगदीश मिश्रा। जगदीश मिश्रा जी। हाँ। घूरा पाली। घूरा पाली। तो आपके सांसद जो हैं वो प्रवीण निषाद जी हैं, क्या माहौल बनेगा आपकी बार? बहुत अच्छा है, आपकी पारी पता लग जाएगा कि कितना वो इलेक्शन में वोट लेंगे। हाँ। कितना पार्टी कितना मिल जाएगा, कै परसेंट मिल जाएगा, ये आपकी भाई निषाद के पता लग जाएगा, उनके प्रवीण को। हाँ हाँ आपकी बारी पता लग जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी बार मतलब हार रहे हैं? हार जाएंगे। हाँ ये देखिए, आप देखिए कि क्या हालत है इस पोजीशन का। अच्छा एक बात बताइए चाचा जी, कि प्रवीण निषाद जो है वो भाजपा के साथ गठबंधन में है? हाँ, आपकी बारी गठबंधन में, गठबंधन में आ गए। ऐसा माना जाता है कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो भाजपा को वोट करते हैं,
तो प्रवीण निषाद को आप लोग वोट नहीं? नहीं, प्रवीण निषाद को नहीं दूंगा। प्रवीण निषाद को नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। ये तो हम पहले भी कर दिया हूँ, मैं वहीं दिल्ली में बात कर दिया हूँ। दिल्ली में आप किससे बात किए थे? मोदी के पीएम से। हाँ। और खुल के बात कर रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं। मोदी के पीएम से आप बात किए? हाँ। तब भी ये समस्या नहीं दूर हुई? तभी नहीं हुआ, तभी नहीं दूर हुआ इसको। इसको तभी नहीं हुआ, कहने लगे 5 दिन के अंदर आपके घर जाएगा आदमी और पता करेगा क्या है पोजीशन। हाँ। आज आप सब आए हो। हाँ। देख लो ये क्या हालत है। हाँ। अब इससे बढ़ के क्या चीज दे। चाचा जी एको बात एकदम सही सही बताइएगा कि आदर्श गांव होने के कारण घूरा पाली में क्या क्या विकास हुआ है? आप बुजुर्ग हैं, थोड़ा आप बताइए। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ। यही हालत चल रही है। एक भी काम नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। एक काम साल में जो पैसा आया वो पैसा गया कहाँ चाचा जी? तो ये प्रवीण जाने चाचा जी, प्रवीण जाने कहा कहीं ना रुपया। हाँ। जब कोई ना जेके डाले हुई थे जानी। हाँ। तब और कौन सुनवाई कहीं ना प्रवीण। कुछ कुछ भी नहीं मिला चाची जी। का नाम पड़ी तहार? सोना। सोना। हाँ। तो अब की बार ओटवा केकरा के देवल जायी? जे बनाई नारी तेके दे में। जे रोड बनवाई और। हाँ। जो पानी की व्यवस्था करवाई। हाँ। उकरा के देवल जाए। हाँ, बस। और प्रवीण मैदान देवते। प्रवीण निषाद यहाँ भाजपा से टिकट पा गए हैं। पा जा, कोई भी पा जा। भाजपा अब की बारी गलत सोच के दहले भाई। हाँ। प्रवीण निषाद के देना नहीं चाहिए क्योंकि ये 5 साल में पहले नहीं कुछ करवाया, अब क्या करवाएगा? अब क्या करवाएंगे? पहले हड़प लिए तो अब की बारी क्या करवाएंगे? इसलिए वोट इनको तो टिकट नहीं देना था। प्रवीण निषाद कह रहे हैं कि एक बार जनता हमको और मौका दे, अब की बार हम खूब विकास करें। नहीं, अब की बार मौका नहीं मिलता, ये तो मौका छोड़ दें। 4 साल हो गए वोट देते। 4 साल? 4 साल हो गए यहाँ वोट देते, बाकी क्या नाम है, क्या क्या करे है? एक रुपया नहीं जानते ये गली वाले, कहा एक रुपया कोई दिया हो? कोई नहीं दिया है। यहाँ विकास गांव में कुछ भी नहीं हुआ है, क्या हुआ? कोई नहीं कह सकता। देख लो क्या घर में क्या हुआ। प्रधान गांव के प्रधान क्या लगाता है, उनका अलग आता है, लेकिन कोई भी नहीं करते। सब खा के और डकार मार जाते हैं, कहते हैं हम मेरे पास आया नहीं कुछ। तो अच्छा एगो और हम रणनीति आपसे जाने चाहते हैं, कहे से कि आप सारी चीजें बड़े अच्छे से बता रहे हैं। तो मोदी जी जो नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो एगो सिटिया तो यह बा ना, घूरा पाली संत कबीर नगर के भी एगो सीट बाना जो प्रवीण निषाद को दिए हैं। तब तो आप लोग हरवा देंगे तो मोदी जी की एक सीट कम करा देंगे। हो जब ऐसा कम हो जा। हाँ, कम हो जाए, कम हो जा, बेशक हो जा कम। हाँ। जब ये इसमें क्या, इससे अच्छा ताल में रहेंगे वो ठीक बा। हाँ। हाँ। ये अब की बार ये सीट जाए रही है। हाँ। उसको ये सीट सब देंगे वोट, जो ये सही करवा देंगे तो वोट देंगे। हाँ। हालत यहाँ की ऐसी खराब हो गई है। हाँ। कि अगर कोई रिश्तेदार आ जाते हैं गोरखपुर बस्ती से। हाँ। तो कहते हैं अच्छा क्या? आप लोगों के हम घर पे ये देख, हम आप लोगों को ये देख रहे हैं, घर पे सारी सुविधाएं हैं, लेकिन शायद जब गांव में कोई रिलेशन वाले आते होंगे तो इस चीज को देखकर आप लोगों को बड़ी बेइज्जती महसूस हो। यहाँ का प्रधान है ना, जब यहाँ वोट पड़ा ला तो पानी का छुआ देते हैं, पानी का छुआ सफाई करवा देंगे, सफाई करवा जब वोट का काम उनका खत्म, फिर तू कहाँ के मैं कहाँ के, कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं पहचानता है। वोट पड़ेगा ना। क्या नाम है आपका? इधर विशाल प्रजापति। विशाल प्रजापति जी, आप चाचा जी आप भी आगे आ जाइए। विशाल प्रजापति जी आपके जो सांसद हैं वो प्रवीण निषाद हैं। हाँ। तो आप लोगों ने ये समस्या को बताया नहीं? बताए, बहुत बार बता चुके हैं। हाँ। कुछ सुनवाई नहीं होता है। अभी जब पीछे अभी वोट पड़ने वाला है ना। हाँ। जब वोट पड़ेगा तो इधर एक कचरा भी नहीं रहेगा। हाँ। सब साफ हो जाएगा। हाँ। फिर उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन बाद फिर वैसा चालू हो जाएगा। हाँ। जब तक वोट पड़ेगा तब तक यहाँ कुछ भी नहीं होगा। का नाम पड़ी? कतवारू। कतवारू का ये जो है सालवारू का प्रजापति यादव। यादव जी। हाँ। आप हैं, वाह यादव जी। यादव जी ये बताइए कि ये गांव की जो समस्या है, ये जो आपके रोड पे पानी लगता है, इसकी शिकायत आपने कितने लोगों से की? अरे शिकायत तो बहुत जने की है, 10-12 जने हो गई ले गई ले। हाँ। लेकिन कौन सुनवाई नहीं भाई। हाँ ऐसे हाँ। आपके लेकिन वीडियो वाले 10-12 जने आई ले और गई ले। हाँ सुनवाई नहीं, नहीं कोई नहीं सुनवाई होती। अच्छा यादव जी ये बताइए कि प्रवीण निषाद को लोग कहते हैं कि यहाँ जीत रहे हैं, फिर
तो अब की बार जीत रहे हैं कि कहाँ की बार हो? अब मौसम बोला बताइए उस समय, समय बताइए अपना नाई कुछ बगवा चाहिए। हाँ घूरा पाली का मौसम बता रहा है? मौसम तो अब कुछ हम नहीं बताए ना, मौसम ऐसे नहीं बताई क्यों क्यों नसीब नहीं हो जाला। हाँ तो जवन जी करता था अपने लिए ठीक है करता, वो अपने लिए ठीक है करता थे, हम लोग भी अपने लिए ठीक है करता थे। हाँ धूरी मुठे में जब लाटे लूट लूट। अब की बार सपा का क्या माहौल रहेगा चाचा जी? देखिए हम नहीं बता पाए, एक ना बता पाऊंगा नहीं। नाली बस नहीं है यहाँ पे, जितने भी काम है सब आधे आधे लटके हुए हैं, कुछ भी कुछ भी कुछ बना ही नहीं, कुछ आधा लटका है कुछ। भैंस गोरु जाने भर के सरकारी कौनो सड़क नहीं है, दुनिया कहाँ लेके जाएगा? क्यों खेत में जाए तो दुई डंडा चार डंडा खाई, सड़क भी देखिए यहाँ सुले ताले में नहीं गई बा, खाली दिखा दे बट हाँ सड़क गई भाई है, दिखा के पैसा पास करवा लिया, पास करवा सब खा जी भाई ना कि मैंने बाड़ी बना है। आंगनबाड़ी बना है आज, अभी तक उसमें कुछ व्यवस्था नहीं हुआ है, टंकी तक नहीं बना उसमें। अगर आंगनबाड़ी में आप घुसेंगे ना तो कुछ नहीं, मिट्टी के अलावा कुछ पाएंगे ही नहीं। अब की बार खाली एक बात बताइए, अब की बार प्रवीण निषाद को वोट करेंगे या किसी दूसरे को करेंगे? अब देखिए वाह हम नहीं बता पाए कहे ना, ऐसा क्यों खाई ना गए बाद मतलब कुछ नहीं बताए। चाचा जी का नाम पड़ी, चाचा जी करेगा वही वोट पाएगा, का नाम बा नहीं करेगा वोट नहीं पाएगा, का नाम है चाचा कली रज्जा कली। रज्जा कली जी मिल गए हैं हमसे, आइए इधर इधर आइए, काम नहीं रज्जा कली। रज्जा कली जी आप रोजा पे चल रहे हैं? हाँ रोजा पर चल रहे हैं। हाँ रज्जा कली जी क्या माहौल है चुनाव को लेके? चुनाव के लेके माहौल अब की इनकर वोट वोट कुछ नहीं पाई है, ये प्रवीण निषाद। प्रवीण निषाद भाजपा सारे भाजपा को वोट नहीं नहीं पाई है? हाँ। ना, जब ऐसे सबके जनता कैसे मेकर चलाइए पाई है? हाँ। नहीं पाई है। अब की बार किकरा के देवल जाए? नहीं बताई बहन क्या करा के देव? हाँ। जेके देखा बढ़िया हो नहीं देव जेका देवा। हाँ लेकिन प्रवीण निषाद के नहीं देवे। हाँ हाँ और क्या क्या योजनाएं हैं जो आपके गांव तक नहीं पहुंची है? कुछ नहीं योजना, कौन योजना भाई बा गणेश शंकर शहीद भाई ने सब काला स्वर्ग हो जाई। हाँ। अफसर लोग कहले जन्ना अफसर आई लाने राह ही नहीं आटत रहा, कहले घूरा पाली गली बे गली स्वर्ग हो जाएगा। हाँ कुछ नहीं भाई। आपको बता दे साहब उत्तर प्रदेश के जब किसी भी गाँव को आप देखेंगे, आदर्श गाँव को आप देखेंगे तो उस गाँव को देखते रह जाएंगे, उस गाँव का इतना विकास हो जाता है। लेकिन संत कबीर नगर घूरा पाली का एगो आदर्श गांव ऐसा गांव है जिस गांव को सांसद जी आदर्श गांव बनाने के लिए ये बीड़ा उठाते हैं, ये प्रण लेते हैं, लेकिन साहब इस गांव में विकास कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं। अच्छा अली जी। हाँ। किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? प्रधानमंत्री? हाँ। जे बढ़िया कार करी ते ही बनावल जाए। हाँ। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी जे चलाता। हाँ। अबे तीनों जनी में जे बढ़िया काम करी वह बनी। हाँ अच्छा अगर हम वोट के बात कही नंबर की बात करी नंबर, अगर इंजीनियर प्रवीण निषाद को 10 नंबर में नंबर आपको देना पड़ेगा और आपके हाथ में पेन रहेगी, कितना नंबर देबा अली जी? कितना नंबर देबे? हाँ जौन हमारे आई जन्ना देवे उन्ना दे देबे। कई नंबर? 10 नंबर में कई नंबर? 10 नंबर में 4 नंबर दे दे। 4 नंबर? हाँ अली जी कह रहे हैं कि 10 नंबर में प्रवीण निषाद को 4 नंबर देंगे। विकास नहीं किए? क्या विकास किए? क्या विकास किए? एगो चाची जी हैं इनसे भी बतियाएंगे। क्या नाम है? काहे भाग रही हैं? आइए ना, क्या नाम है आपका? ना। नाम बताइए ना, क्या नाम है? राजमती। राजमती। हाँ। गांव में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। हाँ। नहीं हुआ है, कुछ नहीं किया है, तब भी विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं किए हैं। अब की बार सांसद के बनी? किसी को नहीं बनाएंगे, जो करेंगे वही बनाएंगे। हाँ। हाँ, जो नहीं करेंगे वही उसको नहीं बनाएंगे। इंजीनियर प्रवीण निषाद को किसी को नहीं देंगे, जो ये काम करेंगे वही देंगे। जो नाली दे, को बनवाएगा उसी को देंगे। हाँ, वही उसी के देंगे। पानी को आप लोगों को निकलवाएगा। हाँ, वही उसी को देंगे। आप देख सकते हैं साहब लगातार ये चुनावी चर्चा चल रही है और इस चुनावी चर्चा में हम लोग उस गाँव को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिस गाँव में लोग पहुँच नहीं पाते हैं। आज हम एगो गाँव की समस्या इसको दिखाने की ये कोशिश कर रहे थे कि एगो गांव जो है ये आदर्श गांव है जिसे प्रवीण निषाद आदर्श गांव बनाने की बीड़ा उठाते हैं साहब, लेकिन ये गांव आदर्श गांव नहीं बल्कि अगर हम इस बात को इस गांव की बात करें तो ये मिट्टी का गांव बन गया है। चलिए मित्रों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद जय भारत।